भारत के पहले परमाणु परीक्षण की कहानी। मई 1974 की सुबह 9 बजे देश में लोग जब आकाशवाणी पर हिंदी फिल्मों के गाने सुन रहे थे, ठीक तभी प्रोग्राम को बीच में रोककर एक घोषणा हुई। नमस्कार, यह आकाशवाणी है। आज सुबह 8:05 पर भारत ने पश्चिमी भारत के एक अज्ञात स्थान पर शांतिपूर्ण कार्यों के लिए एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। इस पूरे परमाणु कार्यक्रम को मैनेज कर रहे थे भौतिक वैज्ञानिक राजा रमन्ना। That done was we expressed the technical capabilities like any other country did, like the Americans did, like the British did, like the French did, like the Russians did, and the Chinese did. But the outside people like to divide the world into two parts: those which should be highly technological and give orders to the others, and the others must just follow. Now we are too large a country, and with a very much longer history than many of those people. To tell us what is good. भारत के पहले परमाणु परीक्षण के लिए केवल 75 लोगों की एक छोटी सी टीम बनाई गई थी, जिसका कारण था इस पूरे प्रोजेक्ट को गुप्त रखना, क्योंकि उस समय अमरीकी और पश्चिमी देशों की कई खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक लग गई थी कि शायद भारत परमाणु बमों के परीक्षण पर विचार कर रहा है। इस पूरे अभियान में एक केमिकल इंजीनियर होमी सेठना ने हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि राजा रमन्ना ने इस पूरे परमाणु उपकरण को डिजाइन किया और इसे बनाया। हालांकि भारतीय परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसमें एक तेज गति तब आई जब भारत के कुछ वैज्ञानिक तब के सोवियत संघ के एक दौरे पर गए। 1968 के आसपास भारतीय परमाणु वैज्ञानिक पी के अयंगर ने अपने 3 साथियों के साथ सोवियत संघ का दौरा किया और रूस के डुबना में न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज में जाकर सोवियत परमाणु कार्यक्रम की एक झलक देखी। अपनी इस यात्रा के दौरान प्लूटोनियम फ्यूल वाले फास्ट रिएक्टरों ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब वे भारत वापस लौटे तो उन्होंने जनवरी 1969 में प्लूटोनियम रिएक्टरों के निर्माण की कवायद शुरू की। इस गुप्त प्लूटोनियम प्लांट को पूर्णिमा के नाम से जाना गया। सात सितंबर 1972 को पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को एक परमाणु डिवाइस बनाने और इसका टेस्ट करने का एक गुप्त काम सौंपा गया। हालांकि भारतीय सेना इस परमाणु परीक्षण में पूरी तरह से शामिल नहीं थी, लेकिन सेना की सर्वोच्च कमान को इस टेस्ट की तैयारियों के बारे में पूरी जानकारी दी गई। इसकी सारी तैयारियां भारतीय राजनीतिक नेतृत्व की निगरानी में की गई, जिसमें वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना की सहायता ली। राजनीतिक टिप्पणीकार इंदर मल्होत्रा याद करते हैं, 18 मई 1974 को बुद्ध जयंती थी। बाकायदा इस टेस्ट का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अलावा केवल उनके सलाहकार पीएन हक्सर और पीपी धर को ही इस पूरे परीक्षण के बारे में जानकारी थी। यह वे लोग थे जिन्हें यह पता था कि अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। इसके बाद इस पूरे परमाणु कार्यक्रम की कमान संभालने वाले परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना एक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इस परीक्षण की अंतिम अनुमति मांगी। जब उन्हें इस बात की अनुमति मिल गई तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा, अब आप हमें पीछे हटने का निर्देश मत दीजिएगा, क्योंकि अब यहां से इस परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को नहीं रोका जा सकता। इसके बाद रमन्ना वापस पोखरण में परमाणु परीक्षण स्थल पर पहुंच गए। 18 मई को राजस्थान के पोखरण में सुबह 8 तक सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। इस पूरे परमाणु विस्फोट को देखने के लिए कुछ दूर एक सुरक्षित स्थान पर एक मचान बनाई गई थी,
जहां से वैज्ञानिक इस विस्फोट का नजारा ले सकते थे। सभी तरह की अंतिम तैयारियां चल ही रही थीं कि इस बीच एक दिलचस्प घटना घटी। एक घंटे पहले अंतिम जांच करने गए वैज्ञानिक वीरेंद्र सिंह सेठी की जीप परीक्षण स्थल पर खराब हो गई। कई कोशिशों के बाद भी जब जीप स्टार्ट नहीं हुई तो आखिरकार सेठी ने जीप वहीं छोड़ 2 किलोमीटर पैदल चल कंट्रोल रूम पहुंचने का निर्णय लिया। हालांकि इस बीच भारतीय सेना के जवान एक जीप लेकर वहां पहुंच गए और खराब जीप को टो करके सुरक्षित जगह पर ले आए, लेकिन इस चक्कर में परीक्षण का समय 5 मिनट और बढ़ा दिया गया। इसके बाद पोखरण में लाउड स्पीकर से उल्टी गिनती शुरू हो गई। विस्फोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेशन सिस्टम को संभाल रहे प्रणव दस्तीदार उस लाल बटन को दबाने वाले थे जिससे बम ब्लास्ट होता, लेकिन तभी इलेक्ट्रिसिटी मीटर पर लोगों को कुछ दिक्कत दिखी। कोई चिल्लाया, क्या हमें इसे रोक देना चाहिए? इस बीच हड़बड़ी में गिनती भी बंद हो गई, लेकिन बटन पर अपनी कांपती हुई उंगली रखे दस्तकार समझ गए कि ह्यूमिडिटी की वजह से मीटर गलत रीडिंग दे रहा है। वो चिल्लाए, नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक 8:05 पर दस्तकार ने लाल बटन को दबाया। उधर गिनती रुकने की वजह से दूसरी तरफ खड़े कुछ लोगों को लगा कि परीक्षण रोक दिया गया है। अभी वे कुछ करते तभी अचानक धरती से रेत का एक पहाड़ सा उठा और लगभग 1 मिनट तक हवा में रहने के बाद गिरने लगा। चारों ओर एक जबरदस्त भूचाल आया और भूकंप की तरह झटके लगे और ठीक इसके बाद विस्फोट की एक भयानक आवाज सुनाई पड़ी। सभी ने खुशी के साथ एक दूसरे को गले लगाया क्योंकि अब भारत का पहला परमाणु परीक्षण सफल हो गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करते हुए होमी सेठना ने वो मशहूर कोडवर्ड कहा, बुद्धा इज स्माइलिंग। मई 1998 में पोखरण में ही भारत ने ऑपरेशन शक्ति के रूप में 5 परमाणु बमों का विस्फोट किया और इसके बाद खुद को परमाणु क्षमता संपन्न देश घोषित किया। आज भारत नो फर्स्ट यूज यानी अपने परमाणु बमों के पहले न उपयोग करने की नीति पर चलता है, लेकिन हमला होने की स्थिति में कड़ा जवाब देने की बात भी की जाती है। भारत संयुक्त राष्ट्र के 5 परमानेंट मेंबर्स को छोड़कर ऐसा पहला देश था जिसने अपने दम पर परमाणु शक्ति हासिल की और आज दुनिया के सबसे बड़े परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में से एक है। अतुल शाह, DD News।